मैदान में शहीद पुस्तिका का आगमन होगा। आप सभी से अनुरोध है, कृपया शहीद पुस्तिका के सम्मान में आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पुष्प चक्र अर्पित किए जाएंगे। सर्वप्रथम माननीय गृह मंत्री भारत सरकार द्वारा शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किया जाएगा। है नमन उनको कि जो देह को अमृतत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए। माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से उन शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किया जा रहा है, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया और अंतिम सांस तक लड़ते लड़ते देश की समृद्ध विरासत हमें सौंप कर वो अमर सेनानी हमेशा हमेशा के लिए सो गए। बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, वो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है। उस कुर्बानी रक्षक टोली अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करती है। आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इन वीर सपूतों का अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि के लिए जो प्यार है, वो क्षेत्र, जाति, रंग और अन्य विविधताओं के बंधन से परे है। मातृभूमि के रक्षार्थ इनका जोश, जुनून और कर्तव्य परायणता ही इन्हें एक आम इंसान से अलग कर देती है और ये वीर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। और अब वीर शहीदों को सलामी दी जाएगी। आप सभी से अनुरोध, आप सभी पूर्ववत शहीदों के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े होने की कृपा करें एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें। उसके बाद शोक शस्त्र की कार्यवाही होगी। हम परेड के साथ ही शीश झुकाएंगे एवं परेड के साथ ही शीश उठाएंगे। सलामी शस्त्र में आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े रहने की कृपा करें एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें।
कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार से अनुरोध है कि कृपया हम सभी को अपने आशीर्वचनों से संबोधित कर प्रेरित करने की कृपा करें। श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार।